तो हाँ जी गैस, आज मैं आ गया हूँ छत में। आज है सैटरडे, आज मैं वर्कआउट नहीं कर रहा। आज मैं भाई सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए आया हूँ, सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि फिर गैप हो जाता कल संडे। कल मुझे लेग्स करनी है, और लेग्स मैं हमेशा एक दिन का गैप दे के करता हूँ, मतलब एक दिन का रेस्ट लेके करता हूँ। तो आज सैटरडे, आज मैं नहीं करूँगा, आज मेरा रेस्ट है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ऊपर आ गया छत में, क्या मस्त धूप आ रही है, मतलब मस्त लग रहा हूँ। सो आज है भाई 27 जनवरी, और आज मैंने अपना क्रिटीन ऑर्डर कर दिया है, और वो 2-3 दिन में आ जाएगा। मतलब अप्रॉक्स मान लो कि हम 1 फरवरी से क्रिटीन वापस स्टार्ट कर देंगे। अब आप सोचोगे कि भाई विंटर्स में क्रिटीन ले रहे हो आप, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सिर्फ आप समर में ही ले सकते हो, विंटर में नहीं ले सकते, उसका ऐसा कोई सीन नहीं है। बस वो वेदर की वजह से लोग विंटर्स में नहीं लेते, क्योंकि विंटर्स में भाई आप वाटर इनटेक उतना नहीं कर पाओगे। समर्स में वैसे ही पानी हम लोगों को प्यास लगती रहती है। अब थोड़ा सा एक्टिविटी करते हो तब तो भाई और भयंकर। विंटर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वेदर का ऐसा एटमोसफियर होता है कि हम ज़्यादा स्वेट नहीं करते, इस वजह से हम उतना पानी नहीं पी पाते। बट मुझे पता है मैं पी लूँगा, वैसे भी शायद 1 फरवरी से ठंडी इतनी नहीं रहेगी, मैं इतना तो पी लूँगा कि 3-4 लीटर पानी आराम से निकाल दूँ। सो ठीक है भाई, चालू करेंगे अभी क्रिटीन, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आएंगे उसके। 2-3 महीने लगातार चलाऊंगा मैं। पहली बार भाई मैंने आज तक जितनी बार क्रिटीन लिया है, मैंने हमेशा मतलब मैक्सिमम 1 महीने तक चलाया है, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। इस बार मैंने सोचा कम से कम 3 महीने तक साइकिल चलाऊंगा, फिर 1 मंथ का ऑफ लूंगा, उसके बाद से वापस स्टार्ट करेंगे। मतलब अपन विंटर्स तक चलाएंगे अब, ठीक है। कम से कम 6 महीने तक लगातार, 3 महीने का गैप, फिर 3 महीना ऐसा चलाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अपना जो मेन आज का टॉपिक है वीडियो का, वो तो मैंने बताया नहीं भाई, आर्म्स। मुझे जो सबसे ज़्यादा DM आते हैं ना इंस्टा पे, वो यही आते हैं कि भाई आर्म्स, भाई अपने आप आर्म्स का साइज का कुछ बता दो, आपके आर्म्स कैसे ग्रो हुए, मेरे आर्म्स सबकी। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी आर्म्स ट्रेन करता भी नहीं इतना ज़्यादा। इस वीक मैंने पूरा भाई आर्म्स ट्रेन ही नहीं किए, मतलब ट्रेन करने का मतलब किसी सेपरेट दिन आर्म्स ट्रेन नहीं किए, कि जैसे होता नहीं चेस्ट डे, बैक डे, ऐसे आर्म्स डे, ऐसे मेरा कुछ सीन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, हमेशा शोल्डर के साथ 2 एक्सरसाइज कर ली ट्राइसेप की, और बैक के साथ कभी 2 एक्सरसाइज कर ली बाइसेप की। बस मैंने वीक में एक ही बार 2 2 एक्सरसाइज करी है। अब देखो मैं बताता हूँ कि भाई आर्म्स अगर ग्रोथ आपको तेज करने तो आपको क्या करना होगा। भाई मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जब मैंने जिम शुरू की थी ना, तब मैं भी भाई इसको लेके जितना ज़्यादा परेशान रहता था ना आर्म्स को लेके, भाई मैंने कम से कम 30-40, कम से कम, हाँ भाई कम से कम बता रहा हूँ, मैंने 30-40 वीडियो यूट्यूब में देख ली होंगी सबकी, अपने इंडिया के भी जो अच्छे अच्छे हैं और इंटरनेशनल भी एथलीट्स की, कि आर्म्स को कैसे ग्रो करें। तो सबको जो मेरे पास आया है ना मटेरियल, मैंने इतनी वीडियो देख के, वो आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, बस स्किप मत करना भाई। हाँ यार, क्या हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं, मस्त सनशाइन आ रही है यार सामने से एकदम। पहली बार मैं लगता है सन किस्ट लग रहा हूँ, वरना सन स्लैब डे लगता हूँ। हाँ तो चलो भाई, टॉपिक से भटका देते हो यार तुम लोग। तो देखो शुरू करता हूँ, मैं बता रहा हूँ जल्दी, वीडियो मुझे ख़त्म करनी है भाई। आपकी आर्म्स में जो सबसे बड़ा मसल होता है वो होता है ट्राइसेप का, आपकी आर्म्स का 2/3 होता है भाई ये। और ट्राइसेप में जो सबसे बड़ा मसल होता है वो होता है भाई लॉन्ग एड। लॉन्ग एड आपका यहाँ से शुरू होता है भाई, रियल डेड के पास है, और ये पूरा यहाँ तक आता है। अब देखो मैं बताऊँ करना क्या है आपको, आपको आपके ट्राइसेप को सबसे पहले तो ये आप दिमाग में अपने माइंडसेट में बैठा लो कि आपको अपने ट्राइसेप को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करना है, ठीक है। अब ट्राइसेप आपको कैसे करना है, वीक में 2 बार कर लो, अगर आपको और ज़्यादा लगता है तो 3 बार भी, मतलब 3 बार का मतलब ये नहीं कि पूरी पूरी एक्सरसाइज एक। लॉन्ग एड को मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, मैंने भाई यही किया, मैं हमेशा जैसा मैंने बताया, मैंने आर्म्स ट्रेन तब मैं करता था, मैं क्या करता था जैसे मंडे को मैंने शोल्डर के साथ ट्राइसेप किया, ठीक है, और देन मैं इधर फ्राइडे आके वापस रिपीट मार देता था। ट्राइसेप में मैं क्या करता था भाई, लॉन्ग एड को मैंने इतना ज़्यादा ट्रेन किया ना अपने। लॉन्ग एड की एक्सरसाइज कौन सी होती है, जितनी एक्सरसाइज में आपका ये हाथ ऊपर रहेगा, आपका हाथ ऊपर है, अब आप खुद ऐसे ऊपर करके देखो भाई सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन आपके यहाँ होगी, ये जो लॉन्ग एड होता है पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। अब जितना आपका नीचे हाथ है आपके, तो आपका पूरा ये रिलैक्स है भाई, यहाँ पे आपको कुछ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जितनी एक्सरसाइज ऊपर की होती है, मैं एक्सरसाइज तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास 2 क्लिप्स रखी हुई हैं, मैं आपको वो लगा दूंगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं सिपात भाई वीडियो बनाने आया हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा। देखो भाई पहली एक्सरसाइज ये है, ये आपने ज़रूर भाई की होगी अपने जिम में, अपने जिम में क्या करते भी होगी, हर बिगनर को यही बताई जाती है, बट उतना हम लोग इसे ना अच्छे से नहीं करते। लॉन्ग एड की भाई बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं भाई इसे काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, अभी भी मैं जिस दिन ट्राइसेप करता हूँ तो ये एक्सरसाइज जरूर करता हूँ मैं। दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके जब ऊपर जाना है ना आपको, तो बिल्कुल हाथ सीधा करना है, मतलब पुश सा करना है मसल को, जो आपका लॉन्ग हेड है ना उसको स्क्वीज सा करना है, एकदम फील करना है। जब नीचे आना है तो पूरा डीप
कि वो आपको समझ आए कि भाई यहाँ मसल चल रही है, दोनों हाथों से एक हाथ से सपोर्ट लेके। ये एक्सरसाइज मेरे पास भाई क्लिप सिर्फ यही है कि आप बोथ हैंड कर सकते हो, बोथ हैंड ओवर हेड डंबल और रोप से लगा के, मतलब काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। मैं अगर मुझे कोई क्लिप्स मिल जाए तो मैं लगा दूंगा, वरना भाई इतने से एडजस्ट कर लो। अगर आपको पूरा शेड्यूल चाहिए कि बाइसेप की एक्सरसाइज क्या, ट्राइसेप की एक्सरसाइज क्या, तो आप मुझे इंस्टा में DM कर लो, मैं आपको भेज दूंगा। वहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। पहली एक्सरसाइज भाई आपने आपको बता दी लॉन्ग हेड की, जो मैं करता हूँ, और दूसरी ओवर हेड। तो आपको भाई दो एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में ऐड कर लो लॉन्ग हेड की, जितने जिनमें जिन एक्सरसाइज में आपके हाथ ऊपर हो, ये ऊपर से कुछ भी ऐसे कर रहे हो आप, कुछ भी रॉड लेके स्कल क्रसेस, कुछ भी जिनमें आपके हाथ ऊपर है उसमें आपका लॉन्ग हेड एक्टिवेट होगा। दूसरी एक्सरसाइज ये, दोनों बेसिक एक्सरसाइज है, केबल पुश डाउन भाई ये भी आप करते होगे, इस पर भी बस फील लेके करना है आपको, कॉन्ट्रैक्शन लेके करना है हर दिन, अच्छा रेप्स मारनी है। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कि आपको फॉर्म नहीं आ रहा, आपके शोल्डर ज़्यादा चल रहे हैं, अच्छे से एक मॉडरेट वेट लेके अच्छी सी रेप्स निकालनी है। दूसरी एक्सरसाइज केबल पुश डाउन भाई आप ये करो, वीक में दो बार कर लो, एक स्टार्टिंग में जो आपने मसल किया मंडे को शोल्डर किया, बैक किया, चेस्ट किया, कुछ भी कर लो मंडे को कर लो, देन उसके बाद अपनी सारी मसल। अगर आप आर्म्स डे करते हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी तरह बंद कर दो, करो कोई दिक्कत नहीं। मेरा दूसरे पार्ट ज़्यादा वीक थे, मेरी चेस्ट ज़्यादा वीक थी, इसलिए मैंने चेस्ट को दो बार कर दिया था, इस वजह से मैं आर्म्स नहीं ट्रेन करता था। सो आप आर्म्स डे के बाद, आर्म्स डे जो आपका रख लो इधर थर्सडे साइड या फ्राइडे, आप इधर वापस आर्म्स ट्रेन कर लो, आपका ट्राइसेप दो बार हो जाएगा। मैं भाई ये वीडियो में आपको समझा रहा था कि अगर आपको आर्म्स बड़े करने हैं तो बाइसेप के पीछे मत भागो, ट्राइसेप को टारगेट करो लॉन्ग हेड की। मेरा फ़ोन आ रहा है यार, किसी का लड़के का फ़ोन आ रहा है, ठीक है मैं अभी बात करता हूँ। तो भाई आप बाइसेप के, अबे कहाँ भूल गया यार मैं, ये गाजर का हलवा लेके आया मेरा लिए, अपने घर से मैंने इसे मंगवाया था, अभी जाके मैं खाऊंगा, सिर्फ इसी वजह से जिम नहीं आया भाई मैं आज, मुझे गाजर का हलवा खाना है, ठीक है मैं फिर भूल गया यार कहाँ था। तो जैसा मैंने बताया भाई, ट्राइसेप के पीछे भागो, ट्राइसेप के पीछे लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज। एक जो आपका, देखो सीरियस बात ये है, जो आपका आर्म्स डे है उसमें जो ट्रेन करना है करो, लॉन्ग हेड की दो एक्सरसाइज होनी चाहिए। और आप अलग से एक दिन, जैसा मैंने बताया मंडे को या फ्राइडे को, जब आपको मतलब एक किसी बड़ी मसल के साथ दो एक्सरसाइज ट्राइसेप की ऐड कर लो, ये जो दो मैंने, यही दो आप कर लो, ये तो केबल पुश डाउन और सिंगल हैंड ओवर हेड, ये दोनों एक्सरसाइज ऐड कर लो। मतलब आर्म्स डे के अलग से आपको वीक में दो बार ट्राइसेप ट्रेन करना है बस भाई, 3 से 4 वीक करो, आपका देखना आर्म्स में, जब आपका ट्राइसेप बड़ा होगा तो आपके आर्म्स ऑटोमेटिक हैवी लगेंगे। सो ये थी भाई अपनी वीडियो, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो चलो ख़त्म करते हैं, अभी मैं जाके सीधे जा रहा हूँ बात। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, टाटा।